हेलो तुम दोस्तों, कैसे हम सब मिलते तो आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों आज बहुत ही मज़ेदार खबर हमको मिली है, और वो खबर ये है कि ये जो बैठा है कबूतर, इसका जोड़ा लग गया हमारी कहाँ गई इस वाली शिराजी कबूतरी से। और इस ये कबूतरी थी, हम इसे कबूतर समझते थे, और इसने दे दिया अंडा। वो देखिए क्या ऊपर नहीं जा पा रहे, इनको भी बाहर ही खोल देते हैं। आ जाओ बाहर, आ जाओ दाना डालते हैं इनको, आप लोगों को भी अभी खोलता हूँ, पहले इनको दाना पानी डाल दें। वो देखें पानी पीने आ गए सारे, पानी अलग के बीच में थोड़ा सा ही है, अंदर ही घुस गए। इनको दाना डालते हैं, बड़े दिनों के बाद ही कबूतर हमारे खुले हैं। तुम लोग के वो देखे दो दो अंडे आए हुए, तुम लोगों को भी दाना डालता हूँ। यार ऊपर काफ़ी ठंड है, और देखिए अंदर पानी कितना सा, सारे अंदर ही घुस गए। पी लो पानी। ये तो पानी पी रहे हैं, तब तक मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखा दूँ। और आज पापा ने इस डब्बे को साफ भी कर दिया, गंदा सा आया हुआ था। और पापा ने कहा अभी मेरे को दाना अंदर नहीं रखा करना। ये देखिए मैंने क्या किया था, पानी इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर ही आ जा रहा था, मैंने प्लेट इसके अंदर रख दी थी। अभी इसको बाहर निकालते हैं ताकि दूसरे ये छोटा बच्चा भी पी ले। पी लो जिसने पानी पीना। अभी आप लोगों को खोलता हूँ, तब तक मैं अंदर हो रहा हूँ, अंदर से आऊँ। हेलो बेबीज। वो तो उड़ गया। और यार ठंड तो है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही, इसको मैं चलाऊँगा तो तोते अगर इसके ऊपर बैठ गए तो फिर क्या क्या बनेगा इनका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह देखिए ताज कैसे खड़ा किया है, बहुत अच्छा दाना खा रही है। तो जब मैं आपको कह रहा मुझे नहीं समझ आ रही, तोता इस पर बैठ गया तो वो जल जाएगा, तो इसको कवर हम किस चीज़ से करेंगे, ये नहीं मुझे समझ आ रही। तो इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। चलिए इसका कोई हल ढूंढते हैं ताकि ये प्यारे प्यारे परिंदों को सीट मिल सके। ओके चलिए चलते हैं। कबूतरों को बाहर निकला, देख डक्स जल रही हैं जो कि चीखना शुरू हो गया। यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हो? और यार आपने दुआ करनी है कि हमारे इस डब्बे में इस बार ज़रूर ये बच्चा निकाल लें। हर बार क्या होता है, अंडा आता है और ख़राब हो जाता है। अभी भी मैं हाथ लगा के देखता हूँ, अगर गर्म हुआ तो इसका मतलब इसकी माँ पर बैठ रही है। अंडा यार ठंडो हो गया हुआ, आपको क्या लगता है क्या बनेगा? पता नहीं, मैं बड़े दिनों से देख रहा था, ये जो एक ये वाला कबूतर और एक ये वाला कबूतर, इन दोनों एक डब्बे में बैठे होते थे। मैं पहले समझता था दोनों मेल हैं, अभी कोई फीमेल नहीं थी, तो मैंने कहा शायद फीमेल की तन्हाई में बैठे हुए हैं। लेकिन जब अंडा भी आ गया तो मुझे तब पता लगा कि ये वाली फीमेल, ओ ये वाला जो कबूतर है ये फीमेल है और ये मेल है, तो इन दोनों का जोड़ा लग गया और इस कबूतरी ने अंडा भी दे दिया, जैसे कि आपको पता ही है। तो यार दुआ करें कि ये ऊपर बैठ जाए, ठीक है। और माशाल्लाह से मुर्गियाँ, यार हमें ना इंक्यूबेटर चाहिए क्योंकि ये अंडे देती रहती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनके अंदर से बच्चे ही निकलवा लिए जाएं, क्योंकि अंडे तो फिर नहीं नहीं रहने, जब अंडे खाने होते हैं। तो यार आज वो जो आपको टप दिख रहा है ना, उसके अंदर आज हमने अपनी डक्स को नहलाया था, दोपहर का टाइम था तब, और अब तो वो शाम हो गया तो इसलिए अब नहीं नहलाएंगे। और वो देखिए कबूतर कुंडी के अंदर चला गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और आप कह रहे होंगे हमें ने आज क्यों कबूतर खोल दिए? तो यार कबूतर मैंने इसलिए खोले, वो देखें ये नज़र आ रहे सारों के मैंने पर काट दिए हैं ताकि ये कहीं जाए ना, इसी वजह से मैंने खोले हैं, वरना तो मैं आज भी ना खोलता, क्योंकि मुझे डर है। उस दिन के बाद मुझे तब से डर है जब हमारा कबूतर वहाँ से उड़े थे ना दो,
वो मुझे लगा कबूतर बैठे हैं तो स्पैरोज बैठी हैं। जब हमारे वहाँ से दो कबूतर उड़ रहे थे तब का मुझे डर है कि ये भी सारे ना उड़ जाएं, इसी वजह से मैंने इन सारों के पर निकाल दिए। और भाई यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, वहाँ पे कहाँ पी रहे हो, इधर आके पियो। हाँ जी यार, बाकी आपने कमेंट बॉक्स करके बताना है कि क्या ये वाली फीमेल उस अंडे पे बैठेगी कि नहीं बैठेगी। मैं तो दुआ बार बार कर रहा हूँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, लेकिन पता नहीं, अंडा तो अभी तक ठंडा है, सुबह भी ठंडा था, लेकिन यार क्या कह सकते हैं, जो अगर बैठना चाहे तो बैठ भी सकते हैं, नहीं बैठना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम तो इंतज़ार ही करेंगे कि कब बैठेंगे, अभी तो दाना पानी खा रहे हैं। वो देखिए उसका मेल वो टिंकर उठा के लेके जा रहा है, ये जा रहा है और दूसरा उसको तंग कर रहा है। इन दोनों का माशाल्लाह से जलन लग गया, मुझे तो खुशी हो रही है, लेकिन ये भी है कि हम पता नहीं ऊपर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो यार मुझे एक आइडिया आ रहा है, नहीं नहीं ये ठीक है, मैं पहले कहने लगा था इनको मास्टर केज में शिफ्ट कर दें, लेकिन नहीं, उनका अंडा यहाँ पे तो वो मास्टर केज में शिफ्ट करके हम क्या करेंगे। वो देखे वो इतना लंबा खड़ा हुआ था, क्या है ऊपर, वो देखे इतना लंबा मोशन से खड़ा हुआ था, ऐसे करके फुल लंबा नीचे आ गया। पहले कबूतरों को बंद करूँगा फिर इनको खोलूँगा। वो देखिए वो तिनका लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे कहाँ पे अपने घर में लेके जाओ, घर में उस वाले घर में, ये जाओ जाओ चला गया, जाओ जाओ अब ये अपने बॉक्स में जाएगा। और शराजी कबूतर ने उसे वापस भगा दिया, और इंशाल्लाह अगर ये ऊपर बैठी तो हमारे पास मजीद नए नए कबूतर आ जाएंगे, छोटे छोटे बेबीज आ जाएंगे। ओए हो देखा, अगर मैं पढ़ना काटता ये तो यहाँ से वो उधर जाके बैठ जाते, फिर वहाँ से वो आसमानों में उड़ जाते, फिर मैं क्या करता। देखें अब माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ना इसके भी मैंने पर काट दिए ताकि ये भी ना उड़ सके। कि मैंने पहले देखा कि इसके कलियाँ अभी नहीं हुई तो नहीं उगड़ी, जिसमें खून हो तो इसको दर्द हो, लेकिन मैंने अच्छी तरह देखा, मुझे हल्का सा भी ब्लड नहीं नज़र आया, तो इसी वजह से इसकी भी हमने कलियाँ काट दी। और यार हेलो डक, मुझे इनको भी तरस आ रहा, लेकिन अभी खाना खा रहे हैं, जब तक खाना इनका पेट नहीं ना भर जाता तब तक हम उनको नहीं खोलेंगे। मुर्गियों यार बड़ी अच्छी हैं, दिन के रोज़ाना दो अंडे देती हैं, वो उधर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अंडे खाता ही नहीं, मैं करूँगा क्या, घर वाले खाते हैं। वो देखिए आपस में लड़ रहे हैं, ओए ना लड़ो, पीछे जाओ पीछे 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 पीछे, ओए ओए तू आपस में नहीं लड़ना, जो आपस में लड़ेगा वो मेरे से मार खाएगा भागकर। वो देखिए वो अपना नेस्टिंग मटेरियल वहाँ पे लेके जा रहा है, दुआ करें यार बस बैठ जाए। पिछली बार भी क्या हुआ था, वो उसने अंडा दिया था, वो जब अंदर लड़ रहे थे उसकी फीमेल उड़ गई, तो हम क्या कर सकते थे, वो अंडा भी ज़ाया हो गया जो मैंने अपने परिंदों को खिलाया था वीडियो के अंदर ही। और ये तो दाना खाने में लगी हुई है, जाओ अपना अंडा इनके वेट करो, अपना अंडा इनके वेट करो, करो 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 करो, क्या कह सकते हैं बेजुबान परिंदे को, अपनी मर्जी से जो करना है कि करेगी। और ये देखिए यार रैबिट्स छलांग मार के ऊपर चढ़ जाते हैं यार, और अभी ठंड भी काफ़ी हो गई है, इसको कवर, ओए सच मैं तो इसको हल सोचना था, मैं तो मुझे जो भी याद है वो मैं उसको हल सोच रहा था कि वो बल्ब को हम कवर कैसे करें। तो यहाँ कबाड़ से कुछ ढूंढते हैं, इसके अंदर कुछ मिल जाए तो, ये तो लकड़ियाँ जाली शाली मिल जाए, मुझे लगता है वो यहाँ पर कीड़े हैं। और मुझे लगता है कि हमारे छत पे जो कबाड़ है इसमें कुछ भी नहीं है, इधर देख लेते हैं शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए। हाँ भाई कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे तुम लोगों को आज या कल गुजार करना पड़ेगा, बाद में मैं पापा से कह दूँगा, पापा तुम लोगों का लगा देंगे बल्ब, प्लीज़ प्लीज़ एक दिन इंतज़ार कर लो, एक या दो दिन ओके। और तुम्हें कौन सी मौत चढ़ी हुई है अजानों की, खा लो अच्छी तरह खाना खा लो, फिर आराम से तुम लोगों को आराम से अंदर करूँगा आराम से। तो यार आज ये अंदर चलते हैं, वो देखिए
बेबी ये हाय डायमंड को तो देखिए माशाल्लाह। ओए पानी में ना जाओ। और ये रहे हमारे मिट्ठू, वो देखिए। और यार ये देखिए बच्चा बैठा। और यार सुबह क्या मैंने देखा, एक तोता था जो कि आके और से स्लाइड मार के इसके अंदर पानी से अंदर ऐसे होके जा रहा था। समझे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ये समझ ले तोता है, ये ऐसे गया पानी में डूब के ऐसे ऐसे फिर पानी में ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 कभी इधर। इतनी स्पीड थी ना उसकी ऐसे नहाने की, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, वो सुबह 9 बजे की बात है, तो इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सारे नीचे आ गए हैं, अच्छा इनका दाना खत्म है, इसी वजह से आया। दाना डाल देते हैं, चलो बाहर। इस दाने को यहाँ पे खिलाते हैं, हमारे ये वाले सारे परिंदे खा लेंगे। ये आ गए यहाँ पे दाना, इसमें अभी हम नया डालेंगे, बल्कि दाना तो अंदर ही है। हाँ जी अंदर, सुबह मैंने रखा था जब मैं फिंचेस को डाल रहा था। दाना इनका तो पड़ा है, ये देखिए ये आ गया इनका दाना। दाना इनके सोने खाने पीने का बहाना। वाह वाह क्या लाइन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो सारे दाना। आ जाओ आ जाओ, दाना आ गया, दाना आ गया, दाना आ गया। तुम लोगों के पास दाना है? ओए होए पानी है, इनका गुजारा हो जाएगा। इनको करते हैं बंद। ये मौसम के अंदर यहाँ पे साइड पे तो थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन बहुत बहुत ठंडा। अभी जब ये दरवाज़ा भी कवर हो जाएगा तो फिर तो और ही सुकून हो जाएगा। खा लिया कबूतरों दाना, दाना पानी खा लिया, खा लिया। हो जाओ मैं थोड़ी देर उनको भी खोल लेता हूँ। वो देखिए वो तिनके इकट्ठे कर रहा है, कबूतरों को खुला रहने देते, इनको भी खोल देते, क्या कहते हैं। अब तो उनके पर कटे ही हुए हैं, चलो ऐसा करते हैं। नहीं करते यार, फिर भी कोई नहीं पता, यहाँ से उड़ के यहाँ पे बैठ जाओ, फिर यहाँ से सात वाले घर, फिर भी मेरे एवं चक्कर लग जाएंगे इधर से उधर। वो देखिए इसका तो यहाँ पे राज है, इधर ही महारानी बैठी होती है, महारानी साहिब। यार अभी मैं इनको भी खोल लूँगा। वो देखिए यार रैबिट माशाल्लाह। अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था अभी मैं इनको भी खोल लूँगा। वीडियो मेरी काफ़ी हद तक लंबी हो चुकी है, तो इसी वजह से इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में, अगले व्लॉग तक ले दीजिए। अल्लाह हाफिज़।